गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका नानी की रेसिपी में। आज हम बनाने जा रहे हैं रबड़ी केक। मैंने एक कटोरी दही लिया है और ये बिल्कुल ताज़ा दही लें, एकदम फ्रेश, तो खट्टा नहीं होना चाहिए दही। ये मैं एक कटोरी लिए हमने, ये आधा कटोरी हमने इसका ऑयल लिया है। ऑयल ऐसा लें जिसमें स्मेल ना हो, जिस ऑयल में वो वाला ऑयल लें। ये हम डाल रहे हैं इसमें। ये आधा कटोरी हमने चीनी ली है, चीनी पाउडर बना लिया हमने, ये पीस लिया मैंने चीनी, तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें। ये हम इस तरीके से इसे मिला लेंगे। ये फ्रेंड हमने आधा कटोरी, जो हमने जैसे दही लिया था पूरा, ये आधा कटोरी हमने मैदा ली है, ये हम डाल रहे हैं इसमें। हमने बेकिंग पाउडर लिया है, ये बड़ी चम्मच है, इसका हमने चौथाई चम्मच लिए। खाने वाला मीठा सोडा होता है, ये हमने वो लिया है, ये भी चौथाई चम्मच डाल रहे हैं हम। ये फ्रेंड हमने दूध लिया है, ये आधा गिलास, छोटा गिलास है, ये आधा लिया, लेकिन इसमें हम जो बैटर हमारा पतला होगा थोड़ा सा, हम उस हिसाब से ये डालेंगे, अपने हिसाब से डालेंगे, मिलाते जाएं, थोड़ा थोड़ा डालें इसमें, एक साथ ना डालें, क्योंकि इससे पता चल जाएगा हमें हमने कितना इसको बैटर को तैयार करना है। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा घोल बन के तैयार हो गया। ये देखिए इस तरीके से इतना पतला रखें इसको। हमने ये फ्राइंग पैन लिया है, ये नॉनस्टिक है, आप पे जो है वो ले लें, इस तरीके का मैंने ये लिया है। तो मैं इसमें ये ऑयल लगा रही हूँ। अब मैं ये बटर पेपर रख रही हूँ, अगर बटर पेपर भी ना हो आपके पास तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इससे आसानी से निकलेगा, इस वजह से हम ये लगा रहे हैं इस तरीके से। अब हम इसमें अभी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। अब हम इसमें ये डाल रहे हैं, हमने इसमें ये बैटर अपना सारा डाल लिया है। इस तरीके से इसे कर दें, इकसार हो जाएगा। ये लोहे का तवा है मेरा, अच्छा भारी है ये, मैंने 5 मिनट पहले इसे रख लिया था, हीट कर लिया ये, ये देखिए गर्म हो गया ये। अब हम इस पर इसको रखेंगे इस तरीके से, ये हम इस तरीके से इसे ढक देंगे। अब हम इसे देखेंगे, बिल्कुल स्लो गैस पर रखें एकदम से, क्योंकि ये हमारा फ्री हीट हो चुका है। अब हम स्लो पे रखेंगे इसे और हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे, 10 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। ये हम देख रहे हैं ये क्या हाल हैं इसके, और देखिए ये मैंने टूथपिक ली है, तो हम इसे डाल के देखेंगे इसमें इस तरीके से। देखिए ये हमारा केक बन के तैयार हो गया, इसमें कुछ भी नहीं आया है, इसमें बिल्कुल साफ़ है एकदम से। यही डाल के चेक कर लें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है और थोड़ा जल्दी भी हो सकता है। 15 मिनट, मेरा 15 मिनट में तैयार हुआ है, हो सकता है इसे 1-2 मिनट और ऊपर ले लें, या इससे पहले भी बन सकता है। तो मैं गैस बंद कर रही हूँ, अब हम इसे ठंडा करेंगे। फ्रेंड्स हमने दूध लिया है, 750 मिली हमने ये दूध ले लिया है, इसका हम उबाल आने तक इस तरीके से चलाएंगे इसको। तो फ्रेंड इस पे हमने तेज गैस पे हमने इसमें उबाल ले लिया है, अब उबाल आ गया, अब हम इसे स्लो कर देंगे और हम इसे इस तरीके से जो मलाई इसकी आएगी हम इसी तरीके से ले लेके इसमें डालते रहेंगे। फ्रेंड ये हमारा देखिए काफ़ी गाढ़ा दूध हो चुका है, अब हम इसमें अपने हिसाब से जैसे आप मीठा खाएँ उस हिसाब से डालें इसमें। मैं ये 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ इसमें, अभी हम बस थोड़ा सा इसको और चलाएंगे 2 मिनट के लिए। फ्रेंड ये हमारी बनके रबड़ी तैयार हो गई है, और मैं आपको दिखा दूं कि हमने इसको इतना पतला रखना है हमने, इतना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो मैं बंद कर रही हूँ ये, अब हम इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे इसको। और ये मैं केवड़ा डाल रही हूँ इसमें, अगर केसर हो आपके पास वो भी डाल सकते हैं, मैं इसमें केवड़ा डाल रही हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसकी। ठंडा हो चुका है हमारा ये देखिए एकदम ठंडा, थोड़ा थोड़ा सा गर्म है बस ये। अब मैं इसको ये प्लेट लगा के इसमें पलटूंगी इसको। ये जो हमने बटर पेपर लगाया हम इसे हटा देंगे। तो हमने फ्रेंड ये बटर पेपर हमने निकाल दिया, इसमें हम इसको फिर से इसमें डालेंगे। हम इसमें इससे फॉक से हम इस तरीके से इसमें ये बना देंगे, क्योंकि हम इसे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो हम रबड़ी इसमें डालेंगे वो इन छेदों के अंदर चली जाएगी इसमें। ये हमने देखिए ये फॉक से कर लिए हैं, अब हम इसमें रबड़ी डालेंगे, इसमें मलाई सारी देखिए डालिए कितनी बढ़िया लग रही है। अब हम इसे ड्राई फ्रूट से सजाएंगे इसको, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो उस तरीके से डालें इसको। ये मैंने बादाम डाले हैं, ये पिस्ता डाल रही हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए हमने सजा दिया, अब हम इसको
फ्रिज में रखेंगे इसे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा केक बन के तैयार हो गया। रबड़ी केक बहुत ही प्यारा बना है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितने साफ तरीके से कटा है। ये देखिए बहुत अच्छा लगा ये। घर में बनाए, मार्केट से बचे और क्या, बच्चों के बर्थडे आए, कैसे भी बनाए, मतलब रबड़ी केक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बनी है ये। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।